अच्छा जी, हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर प्रॉब्लम नंबर टू ऑफ लिक्विडेशन। तीन पार्टनर आयुब उमर एंड जफर आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 25%, 45% एंड 30%। और मार्च 2008 देयर बैलेंस शीट शोड एज अंडर, तो बैलेंस शीट है कैश गुडविल अदर एसेट्स है, अयुब उमर जफर तीनों का कैपिटल गिवन है 40, 20 and 40,000। दे डिसाइड टू सेल द पार्टनरशिप ऑन दिस डेट, रिक्वायर्ड टू मेक एंट्रीज इन जनरल जनरल टू फॉर डिसोल्यूशन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। पहले कैसे, अदर एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश 40,000, 2,000 लिक्विडेशन एक्सपेंस विच आर पेड अगेंस्ट कैश, ऑल पार्टनर है पर्सनल एसेट एंड विल कंट्रीब्यूट एन एसरी अमाउंट। तो भाई अदर एसेट्स थे 65 के, कितने के बिके, 40 के बिक रहे हैं। कितने के एसेट्स थे 65 के, कितने के बिक रहे हैं, 40,000 के आपके अदर एसेट बिक रहे हैं। 65 की चीज बिक रही है 40,000, तो कैश आएगा आपके पास 40,000, आपने कैश डेबिट किया 40,000 से, और अदर एसेट हुए आपके पास क्रेडिट 65,000। दोनों के डिफरेंस से आ गया रियलाइजेशन लॉस। ये हमारी पहली एंट्री होती है लिक्विडेशन की हमेशा, सही है, टू सेल ऑल द एसेट्स, लॉस पे बेचे। दूसरा पॉइंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस 25,000 तीनों में रेशियो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना जी। लॉस आपने तीनों में रेशियो, रेशियो क्या 25, 45 और 30%, अयुब उमर एंड जफर, लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया आपने 25, 45, 30% से, ठीक है ना। तीनों कैपिटल डेबिट 6,250, 11,250 और 7,500, और रियलाइजेशन लॉस क्या हो जाएगा, क्रेडिट 25,000। थर्ड स्टेप होता है टू पे द लाइबिलिटीज, लेकिन सवाल में कोई लाइबिलिटी नहीं है, अगर लाइबिलिटी होती तो उसकी हम पेमेंट कर देते। चौथी होती है अदर एंट्री, अदर एंट्री में आता है गुडविल अगर हो तो वो खत्म करते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंस हो तो वो खत्म होता है, उसकी पेमेंट होती है, और पार्टनर का लॉस और क्या नाम है, लॉस अगेन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे ना ही गुडविल है ना ही लिक्विडेशन एक्सपेंस है, आप सिंपली क्या करेंगे, ओ सॉरी गुडविल है यहाँ पे, लिक्विडेशन एक्सपेंस है वो भी है आपके पास यहाँ पर, 2,000 लिक्विडेशन पे किया है, फिर पार्टनर की डेफिशिएंसी देखी जाती है, ठीक है। ऑल पार्टनर है पर्सनल एसेट विल कंट्रीब्यूट नेसेसरी अमाउंट, पहले गुडविल खत्म करेंगे, 20 की गुडविल है तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो गुडविल हो गई क्रेडिट कितने से 20,000 से, हम गुडविल क्रेडिट करते हैं 20,000 से, और तीनों पार्टनर कैपिटल जाएंगे डेबिट। 20,000 का 25% कितना बनेगा, 5,000, और बनेगा 45%, कितना बनेगा 45%, 9,000, और तीसरा पार्टनर आपके पास 20,000 का 30%, 2,000, 10%, 4,000, 20% और 6,000, 30%, ये होगी गुडविल की एंट्री, ठीक है। यानी चौथी एंट्री का स्टेप है ये, पहला सेल ऑफ एसेट्स, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड होता है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, फोर्थ होता है अदर एंट्री। अदर एंट्री में पहले होगी गुडविल की, अब देखते हैं कोई लिक्विडेशन एक्सपेंस है या नहीं, तो यहाँ दिखा हुआ 2,000 लिक्विडेशन एक्सपेंस, आर लिक्विडेशन एक्सपेंस विच आर पेड अगेंस्ट कैश, दो हजार लिक्विडेशन एक्सपेंस है विच आर पेड अगेंस्ट कैश, 2,000 लिक्विडेशन एक्सपेंस की एंट्री बनेगी। लिक्विडेशन आप कहाँ डालेंगे, रियलाइजेशन में डालेंगे, किसमें डालेंगे लिक्विडेशन को भी आप, रियलाइजेशन अकाउंट में ही डाला जाए। चौथी तो क्या हो जाएगा, सॉरी वो कैपिटल डेबिट करेंगे, अयुब कैपिटल डेबिट, उमर कैपिटल डेबिट और जफर कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा, और क्या क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, ये पेमेंट हुई ना इसकी, टू रिकॉर्ड द लिक्विडेशन एक्सपेंस, ठीक है ना। ये 2,000 तीनों में रेशियो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 45% और 2,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, 2,000 को 25% कितना बनेगा, 500, ठीक है जी। दूसरे का कितना बनेगा, 900, और तीसरे का बनेगा 600। पैसे कितने का आपके पास है, 2,000 आपने पेमेंट कर, पांच की एंट्री पे आते हैं, यानी गुडविल भी खत्म हो गई, पेमेंट भी हो गई। अब आते हैं पार्टनर्स की पेमेंट की तरफ, ठीक है, इसको आपने कितने पैसे देने,
तो भाई अयूब कैपिटल है 40,000, कितना अयूब कैपिटल 40। एंट्री में 6,250 से डेबिट, 5,000 से डेबिट और 500 से डेबिट। तो अयूब का 40 कैपिटल है, 6,500 समथिंग से खर्चा हुआ, तो पैसे बच रहे हैं अयूब। सही है, तो अयूब को डायरेक्ट पेमेंट होगी। दूसरी बात करते हैं उमर की, अभी लिख नहीं रहा मैं कि पहले चेक कर दूं किसका कितना आ रहा है। उमर कैपिटल है 20,000, उमर को लॉस हुआ 11,250 और 9,000। 11 और 9 कितने हो गए, 20,250। तो भाई 20,000 का कैपिटल है और लॉस अब यहीं पे ही हो गया 20,250 और 900 का और हो गया, यानी 1,150 ज्यादा लॉस हो गया। 20,000 कैपिटल था और 21,150 का इसका लॉस आ रहा है, नुकसान से 21,000 का है। तो इसका मतलब है उमर को घर से पैसे लाने पड़ेंगे, और चूंकि सवाल में लिखा हुआ है ऑल पार्टनर है पर्सनल एसेट्स एंड विल कंट्रीब्यूट एन एसरी अमाउंट, यानी हर पार्टनर घर से पैसे ला सकता है। उमर ले आएगा 1,150 घर से, तो एंट्री बनेगी कैश डेबिट उमर कैपिटल क्रेडिट। ठीक है ना जी, कैश डेबिट और उमर कैपिटल क्रेडिट, उमर घर से पैसे ले आया। ठीक है, कितने लाया, 1,150, ये मेरे घर से पैसे ले आए 1,150। नरेशन टू रिकॉर्ड उमर मीट हिज डेफिशिएंसी। ठीक है, लास्ट एंट्री में पार्टनर की सबकी पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक, छठी एंट्री आखिरी होगी जिसमें आप अयूब की कैपिटल डेबिट और जफर कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट कर देंगे, यानी दोनों का पैसे दे देंगे। टू रिकॉर्ड पेड कैश टू पार्टनर, ठीक है ना जी, ये पेमेंट हो जाएगी। तो पहले देखिए अयूब का कैपिटल था 40,000, तो मैंने यहाँ लिखा इसका कैपिटल 40,000। अब एंट्री में अगर कैपिटल डेबिट होगा तो माइनस करूंगा, क्रेडिट होगा तो प्लस करूंगा। जैसा कि हम देख रहे हैं दूसरी एंट्री में 6,250 से डेबिट हो रहा है, तो हम कर देंगे माइनस 6,250। ठीक है, फिर आते हैं किस पे, 5,000 तीसरी एंट्री में, यह माइनस हो जाएगा 5,000 और यहाँ पे कितने से डेबिट होगा 500 से, माइनस हो जाएगा 500 से। तो माइनस करें कितना आ जाएगी वैल्यू उसकी, अयूब की आ रही है 40 - 6 - 5,000 - 500, तो आ रही है 28,250। ये अयूब की पेमेंट हो गई। फिर आते हैं किस पे, जफर पे। भाई जफर कैपिटल कितना है, इसका भी 40,000 कैपिटल है, यहाँ लिखा मैंने 40,000 और कैपिटल डेबिट कितने से हुआ जफर का, यहाँ हो रहा है 7,500 से। यहाँ लिखा 7,500 और फिर डेबिट हो रहा है 6,000 से और फिर डेबिट हो रहा है कितने से, 600 से। माइनस किया कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 25,900 से। प्लस करके पेमेंट कर दिया आपने, कितनी पेमेंट करेंगे, 54,150। ये हो गया इनकी पेमेंट, ये हो गया केस ए। ठीक है, तो भाई केस बी की तरफ आते हैं अब हम। अदर एसेट सोल्ड फॉर कैश 20,000, उमर इज पर्सनली इंसॉल्वेंट एंड कैन नॉट कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू मीट हिज डेफिशिएंसी। उमर क्या है, पर्सनली इंसॉल्वेंट है, उमर घर से पैसे नहीं ला सकता। भाई उमर का बता दी, इंसॉल्वेंट है तो उमर के ऊपर जरा ध्यान रखना पड़ेगा, उमर घर से पैसा नहीं ला सकता। सही ना, पहले एसेट बेचेंगे, 65,000 के एसेट हैं, कितने के बिक रहे हैं भाई, 20,000 में बिक रहे हैं 65,000 के एसेट। सही ना, 65,000 इज 20 में बिक रही है। तो पहली एंट्री में कैश आया डेबिट 20 से, एसेट का 65 से, लॉस हुआ 45,000। दूसरी एंट्री बनाते हैं, लॉस तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अयूब कैपिटल डेबिट, उमर कैपिटल डेबिट और जफर कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा, और यहाँ रियलाइजेशन लॉस क्रिएट करेंगे।
narration to record distribution of loss. रेशियो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 45,000 मल्टीप्लाई बाय, पहले का रेशियो कितना है 25%, कहाँ लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है रेशियो 25%, दूसरे का 45, तीसरे का 30 है, तो पहले का हो जाएगा 25%, दूसरे का हो जाएगा 45%, तीसरे का हो जाएगा 30%, सही है ना जी, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, अब अमाउंट देखते हैं हम इसका, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, ये बनेगा 11,250, क्या बनेगा 11,250, और 45,000 का 45% कितना बनेगा 20,250, और तीसरे का बनेगा 45,000 का 30% 13,500, और 45,000 से रियलाइजेशन लॉस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, ये बन गया रियलाइजेशन लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री। किसी बनती है पार्टनर्स की पेमेंट की, लाइबिलिटी की पेमेंट की, अब सारी लाइबिलिटी नहीं उसकी एंट्री नहीं बनेगी। चौथी बनती है अदर एंट्री, या गुडविल की एंट्री है 20,000 उसकी एंट्री बनेगी, किसी एंट्री बनेगी गुडविल की, तो गुडविल ऑलरेडी पर हम बना चुके हैं केस ए में, वही एज इट इज हमें कॉपी कर देता हूँ यहाँ से उठा के, ठीक है ना, ये तीनों पार्टनर से कैपिटल हो गया डेबिट और गुडविल हो जाएगी क्रेडिट, ठीक है ना, कंट्रोल सी, यहाँ कर दूंगा इसको मैं कंट्रोल बी, ये गुडविल की एंट्री बना दी हमने तीसरी, एज इट इज सेम तीनों पार्टनर से कैपिटल डेबिट और गुडविल क्रेडिट। चौथी बनती है इसके बाद, फिर एक मिनट, चौथी बनती है इसके बाद, मैं अगले पेज पे ले जाऊं, ठीक है, चौथी बन रही थी पिछले में लिक्विडेशन एक्सपेंस, लेकिन लिक्विडेशन एक्सपेंस नहीं है, अब बनेगी सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंट की, सही ना, अगर कोई सॉल्वेंट बता दी ऑलरेडी, इसका मतलब उमर इंसॉल्वेंट होगा तो घर से पैसा नहीं ला सकेगा और उसका लॉस अदर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करें, देख लेते हैं, अयूब 40 है, जफर 40 है, उमर 20 है, तो भाई 40 कैपिटल है 11 और 5, 16 का लॉस हो रहा है, पैसे बच रहे हैं, जफर 40 कैपिटल 13 और 6, 19 का लॉस हो रहा है, इसके भी पैसे बच रहे हैं, लेकिन जब हम उमर को देखते हैं तो उमर कैपिटल था 20,000 या उमर का लॉस हुआ 20,250 और इधर हुआ 9,000 का, यानी इसको 29,250 का लॉस हो गया, और 20 कैपिटल है 9,250 का ज्यादा लॉस हुआ, ये लॉस उमर का दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन कौन, अयूब, तो अयूब कैपिटल हो जाएगा डेबिट, और जफर, तो जफर कैपिटल भी क्या हो जाएगा डेबिट, ठीक है ना, हमने दोनों कैपिटल डेबिट कर दिए, और उमर का लॉस क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उमर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, सही, नरेशन टू रिकॉर्ड डेफिशिएंसी मेड बाय पार्टनर, कितने का लॉस है टोटल 9,250 का, दोनों में रेशियो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे भाई, 9,250 मल्टीप्लाई बाय, पहले का परसेंट कितना है 25%, परसेंट तो नहीं रहेगा क्योंकि 45 बीच वाला उमर तो हट गया, ये लॉस से दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले का 25 दूसरे का 30 हो जाएगा 55, इसी भी आएंगे 9,250 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 55, कितनी वैल्यू बनेगी, ये बनेगी 4,205 और दूसरे की बनेगी 5,045, ठीक है, उमर की डेफिशिएंसी दोनों पार्टनर ने मीट कर ली, ये अमाउंट दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट आया, उसके बाद फिर पार्टनर्स की पेमेंट हो जाएगी अयूब और जफर की, तो अयूब कैपिटल डेबिट और जफर कैपिटल भी डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। अयूब कैपिटल सवाल में कितना था 40,000 कैपिटल बैलेंस है इसका, एंट्री में पहली में लॉस हुआ 11,250, सही है ना भाई,
कितना हुआ 11,250, और दूसरे में कितना हुआ इसको 5,000। ये एक डैश छोटा एक बड़ा क्यों आ गया भाई, 11,250 और कितना हुआ 5,000 और कितना हुआ 4,205। ठीक है, माइनस करके अयूब कैपिटल बन रहा है आपके पास 19,545। अयूब का बना। अब आते हैं जफर की तरफ, जफर कैपिटल कितना था 40, माइनस करेंगे लॉस कितना है 13,500 और माइनस कितना होगा 6,000 और माइनस करेंगे इसमें से 5,045। यानी कि जब जब कैपिटल डेबिट हो रहा है हमने कर दिया माइनस, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट कम होता है तो डेबिट होता है, उसको माइनस करा कितना बना 15,455 पेमेंट हो जाएगी। प्लस करा कैश कितना बनेगा, दोनों ऐड करा ये बनेगा 35,000। ये हो गई पेमेंट। नरेशन टू रिकॉर्ड पेड कैश टू पार्टनर्स, यह हो गई पेमेंट। ठीक है भाई, ओके बच्चों समझ आ गया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। सर यासिर को इजाजत दीजिए, इसी के साथ सर यासिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह।